हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आए हैं एक नए व्लॉग के साथ, और ये व्लॉग काफ़ी खूबसूरत इस वजह से होने वाला है क्योंकि इस व्लॉग में हम अपने एक धूम धमाके वाले फ्रेंड के साथ हैं जो आज हमारी मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, और मैं इस खूबसूरत लम्हे को रिकॉर्ड करूँगा। चलो बैठते हैं अपने बुगेटी चेहरान पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानल्लज़ी सहलना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और इसके साथ साथ करक जेल चौक में हम आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं क्योंकि ये करक का सबसे मशहूर जगह है, और यहाँ पर करक का सबसे एडवांस हॉस्पिटल भी मौजूद है। और इन सब के अलावा यहाँ पर एक खूबसूरत और काफ़ी अच्छा सुपर स्टोर भी मौजूद है, यानी आदिल सुपर स्टोर। और इसके साथ साथ इस रोड पर हम आप लोगों को कई सारे और खूबसूरत पॉइंट्स भी दिखाएँगे, इंशाल्लाह खुद भी देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएँगे। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और बात भी बता दूं कि इस रोड पर बाइक चलाना, ख़ास तौर पर ये वाला बाइक चलाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं जिसकी वजह से इंसान बाइक सही से नहीं चला सकता। और रास्ते में जो हमारा ड्राइवर साहब है उसने कहा कि मौसम भी काफ़ी ठंडा है और काफ़ी खूबसूरत है, क्यों ना चाय पी जाए। तो हम एक खूबसूरत से होटल में रुक गए और दो कप चाय ऑर्डर की। अब आप लोगों में से कई लोग कमेंट करेंगे तो कि आपके जो चाय के कप हैं वो तो हाली हैं। हाँ भाई, ये बिल्कुल हाली है क्योंकि हमने चाय पी ली थी, उसके बाद हमने वीडियो शूट की थी, तो इस वजह से कप तो ज़रूर हाली होंगे। और साथ में बस आप ये जो मौसम है और जो इलाका है इसका व्यू चेक करें। और जैसे ही हम लोग आगे ट्रेवल करते रहे, हमें आगे एक खूबसूरत सा फास्ट फूड सेंटर मिला जो काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा था बाहर से। और आप लोगों को शायद पता होगा कि मैं और मेरा जो दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा फूडी हैं, तो इस वजह से हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऑर्डर किया जाए इसमें से। तो हमने कुछ समोसे वगैरह ऑर्डर किए और अल्हम्दुलिल्लाह से खूब इंजॉय किया, अल्लाह की नेमत। और रास्ते में हमें ये खुशहाल खान यूनिवर्सिटी कुछ डिपार्टमेंट्स नज़र आए जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थे, लेकिन बाहर से जो इसका स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क था वो काफ़ी खूबसूरत था। अब ये फ्यूचर में जब बन जाएगा तो देखा जाएगा कि कितना खूबसूरत बनाते हैं ये लोग, लेकिन अभी हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि या अल्लाह हेर फरमाए, क्योंकि आप इस पुल में खड्डे देख सकते हैं। बस आप लोग भी दुआ करें कि हम इसमें गिरे ना जाएं।